नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ अर्श अंसारी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास दिल को दहला देने वाली खबरें। पुलिसकर्मी ने अदालत से ही चुरा ली रिवॉल्वर और 35 गोलियां। छत्तीसगढ़ में दो नक्सली ढेर। यूक्रेन पर फिर 5.3 ताबड़तोड़ हमले। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिसकर्मी ने अदालत से ही चुरा ली रिवॉल्वर और 35 गोलियां। किसी अपराध को अंजाम देने के इरादे से जहां जिला व सत्र न्यायालय के गार्ड रूम से रिवॉल्वर और 35 गोलियां चुराने वाले पुलिस नायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आरोपी नीलेश खरसे है। चोरी गई रिवॉल्वर और कारतूस की तलाश में न्यायालय के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के रिवॉल्वर चुराते दिखाई देने की बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। बाद में उसकी निशानदेही पर रविवार को छिपा कर रखी रिवॉल्वर बरामद कर ली गई है। जी हां, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी नीलेश खरसे 29 अक्टूबर को सुबह की पौली में न्यायालय के प्रहरी के रूप में तैनात नहीं होते हुए भी एक बैग लेकर गार्ड रूम में आया था। कुछ देर रुककर उसने वहां रखे शस्त्रों की जांच की और बैग लेकर गार्ड रूम से चला गया। उसके बाद रात करीब 10:30 बजे न्यायालय के गार्ड रूम की नियमित जांच के दौरान 0.38 रिवॉल्वर और 35 कारतूस चोरी होने की घटना प्रकाश में आई है। जी हां, एसपी लोहित मतानी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए लोकमत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस न्यायालय कर्मियों को रत जगह शनिवार रात न्यायालय के गार्ड रूम में रिवॉल्वर और 35 कारतूस चोरी होने की घटना से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और छानबीन आरंभ की है। जांच पड़ताल सारी रात जारी रही और पुलिस और न्यायालय कर्मियों को रत जगह करने पड़ गया। सुबह होने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और एक रिवॉल्वर कारतूस चुराने वाले आरोपी की पहचान की गई। जी हां, कर्जदाताओं के तगाड़ों दे परेशान थे। नीलेश खरसे ने कर्जदाताओं के तगाड़ों से परेशान होकर न्यायालय से रिवॉल्वर और कारतूस चुराने जैसा कदम उठाया। अपने बयान में नीलेश ने बताया कि उसने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा है और वे कर्ज की वसूली का लगातार कर रहे थे, जिसे वो परेशान हो गया था। छत्तीसगढ़ में दो नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सोमवार को दो संदिग्ध नक्सलियों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अंतांगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कड़मे गांव के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो संदिग्ध नक्सली मारे गए। जी हां, उन्होंने बताया कि अंतांगढ़ थाना क्षेत्र में डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के दल को गश्त के लिए खाना किया गया था। दल सोमवार सुबह करीब 4 बजे कड़बे चौक के जंगल में था, तभी नक्सलियों के ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जी हां, अधिकारियों ने बताया कि दोनों ओर से कुछ देर तक गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। जब सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की तलाशी ली तो वहां दो नक्सलियों के शव बरामद हुए। जी हां, जिनकी पहचान कराई जा रही। यूक्रेन पर फिर 5.3 ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन में कीव का खारकीव और अन्य प्रमुख शहरों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर सोमवार को सुबह ताबड़तोड़ हमले किए। जी हां, यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक हमलों के कारण इन शहरों में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। जापोरिज्या में भी हमलों की वजह से बिजली आपूर्ति ठप होने की आशंका है। हां, राजधानी कीव के कई हिस्सों में तड़पे धमाकों की तेज आवाजें सुनी गई। सुबह सुबह काम पर जा रहे लोगों को मिसाइल हमलों के बारे में आपात संदेश मिले। जी हां, शहर में 3 घंटे तक खतरे की सायरन बजते रहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। www.mnsnews.com पर
फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा ऐसे ही कुछ खास दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार।